अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट क्लुइन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसमें कुछ हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, तीनों का बेसिक एक ओवरव्यू देख लिया था, और यही आपका छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें और देखनी थी, काइनेटिक एनर्जी का कैसे रोल है, पोटेंशियल एनर्जी का कैसे रोल है यहाँ पे, और इसके अलावा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का जो डायग्राम थी हमारी वो रह गई थी। तो बेसिकली क्लुइन थ्योरी क्या है कि आपके पास पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, ठीक है, इफेक्टिव क्लुइन भी हो रही हैं, इनइफेक्टिव क्लुइन भी हो रही हैं, पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, और इसके अलावा क्या है कि आपके पास जो है कि उनकी सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए। ये जो एनर्जी है ये किस वजह से आपके पास सफिशेंट एनर्जी की जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये हमने आगे इसको एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करके प्रॉपर डिफाइन किया था। तो अभी पॉइंट्स का क्या है हमारे पास क्लुइन थ्योरी के, पार्टिकल्स शुड कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब रिएक्टेंट पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं दूसरे के साथ और इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी और मिनिमम जो एनर्जी होनी चाहिए इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी सक्सेसफुल क्लुइन होगी, जिसे हम इफेक्टिव क्लुइन कहते हैं। अब ये तो पहला पॉइंट तो बहुत इजी से कि पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं और इफेक्टिव क्लियर हो रही हैं। अब ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी का बीच में क्या रोल है और किस तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल देखी थी, ये बहुत स्लो पार्टिकल है, रिएक्टेंट मूविंग टू स्लोली, तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, बहुत जो है एक दूसरे को प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी, तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्टेंट्स एनर्जेटिक थे, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, तो आपके पास एंड प्रोडक्ट बने। अब ये आपके पास क्या चीज़ है कि रिएक्टेंट्स की सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मोशन की वजह से होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन, तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन से इन्होंने कोलाइड करना है, इसके लिए उन्हें काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये जब आपके पास मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि रिएक्टेंट्स जो हैं, ये जो आपके पास डायग्राम है, ये जैसे आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है और वाई एक्स पे एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि रिएक्टेंट्स इस बैरियर को, इस हिल को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स दे सकें। अब ये बैरियर क्या है, ये हिल क्या है, ये आपके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पार्टिकल्स को रिक्वायर्ड है फॉर इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि ये एक बैरियर सा बन जाता है, एक हिल बन जाती है, जब तक रिएक्टेंट्स इस हिल को, इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर किस वजह से है कि ये एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्यों रिक्वायर है, ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इतनी अमाउंट में रिक्वायर है, जिस तरह आपको ये पास रेड एरो है यहां तक, इतनी आपके पास एनर्जी रिक्वायर है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बेसिकली है काइनेटिक एनर्जी, पर किस लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ होगी, ताकि आपके पास एटम्स मूव कर सकें, ट्रेवल कर सकें, आपके पास वो कोलाइड करें, और जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम कर सकें, प्रॉपर ओरिएंटेशन अपनी एडजस्ट कर सकें और नए बॉन्ड बना सकें टू गिव प्रोडक्ट। ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है इन पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर ओरिएंट कोलाइड, पहले तो मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद आपके पास एक्टिवेशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होना चाहिए फॉर दैट रिएक्शन, उससे ज़्यादा होगी तो कोई मसला नहीं है, बाकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, और प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब आपके पास इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब आपके पास फिगर 9.6 थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, उसने एक्सप्लेनेशन दी थी ट्रांजिशन फेज की, कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जब रिएक्टेंट्स आपके पास ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है यहीं पे आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, यानी अब रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ये अब आपको प्रोडक्ट देगा, और इस सारी स्टेट को हम कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट है, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी उनके पास आ गई है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं और अब वो प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। ये चीज़ भी हमने देख ली थी। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, आपकी बुक में एक लाइन मेंशन है, अफेक्टिव कोलिजन जब हो रही हैं, कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो आप जब एक दूसरे करीब आ गए हैं, दे स्लो डाउन जस्ट बिफोर कोलिजन,
देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड दिस रिजल्ट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन देयर पोटेंशियल एनर्जी। पेज नंबर 205 पे फिगर 9.6 के नीचे ये दो तीन लाइन्स में मेंशन है। अब ये जो लाइन्स में ये लिखा हुआ है, इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज हो गई है जब कोलिजन हुई है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसका क्या पर्पज़ है, क्यों ऐसे होगा, तो इसको हम देखते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या इन केमिकल काइनेटिक्स इन रिएक्शंस में? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ मोशन है और पोटेंशियल एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ हाइट है। ये तो है आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में भी इसी तरह ही है, यहाँ पे आके कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिटेल हम देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, क्यों हम अब इसको कोलिजन थ्योरी पे अप्लाई करेंगे और हम अपने रिएक्शंस पे और अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे, प्रोडक्ट्स पे इस पर अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, इज़ ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स कोलिजंस। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर पॉइंट्स बना लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बुक में जैसे एक लाइन मेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, वो चीज़ कुछ भी मेंशन नहीं की हुई। और फिर ऐसे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो वो आप लोग छोड़ देते हैं, उस पॉइंट को ही मिस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, इसके मैंने रीज़न यहाँ पर मैंशन कर दी है। अब हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास सिंपल पार्टिकल्स की मोशन की वजह से है, वो कोलाइड कर रहे हैं और वो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ये तो आपको समझ आ गई, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी टू ओवरकम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रैवल करने के लिए, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, और जब प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो मॉलिक्यूल्स ये बैरियर क्रॉस कर लेंगे और प्रोडक्ट दे देंगे। ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, देखें ये ग्राफ जो है आपकी बुक में तो सिर्फ से मेंशन नहीं, मैंने जब ग्राफ्स वगैरह नेट पे देखे हैं और ये देखे सब जगह पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेंशन है, यहाँ पे जस्ट आपकी बुक में जस्ट एनर्जी इस तरह से मेंशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेंशन है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ क्यों कह रहे हैं और किस क्यों इस यहाँ पे लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, आपको पता है हाइट की वजह से होती है, किसी चीज़ को आपने लिफ्ट किया है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हम कब लेंगे, जब केमिकल स्पीशीज़ आपकी हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं या कोई भी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तो उसके अंदर कंपोजिशन, उसकी अरेंजमेंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जो भी कंपोजिशन है, जो अरेंजमेंट है, जिस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या किस तरह से केमिकल स्पीशीज़ अरेंज हुई हुई हैं, उस वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो ये मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, आपके पास बॉन्ड्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये कंपोजिशन और अरेंजमेंट की वजह से है, जितनी भी केमिकल स्पीशीज हैं आपकी, रिएक्टेंट्स हैं, उनकी जिस तरह से अरेंजमेंट हुई हुई है, तो आपके पास उस रीज़न की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड्स के अंदर स्टोर है। तो होगा क्या आपके पास, अफेक्टिव कोलिजन होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इनफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो हम ऑलरेडी देख लिए हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यानी अफेक्टिव कोलिजन के लिए दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं और इनफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी सफिशेंट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अफेक्टिव कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल कोलिजन है, इनअफेक्टिव से हमारा कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। इफेक्टिव कोलिजन इस तरह से होगी, अब क्या होगा, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उस पॉइंट पे वो स्लो डाउन हो जाएंगे बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी, अब वो स्लो डाउन हो गया, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कोलिजन हो रही है, ठीक है, कोलिजन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर थी वो यूज़ हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब वो किस चीज़ की बात आ जाएगी, अब आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, या मॉलिक्यूल की चेंजेस होंगी कंपोजिशन में, अरेंजमेंट में चेंजेस होंगी, बॉन्ड में चेंजेस होंगी इफेक्टिव कोलिजन में। जैसे ये है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन में क्या हुआ है, एनर्जेटिक थे मॉलिक्यूल, प्रॉपर ओरिएंटेशन से स्ट्राइक किए, तो अब आपके पास बॉन्ड चेंज हो गया, NO3 था NO2 बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बॉन्ड में अब चेंजेस आई हैं और पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड बॉन्ड। ठीक है, अभी आपके पास बॉन्ड में चेंजेस आ गए जब इफेक्टिव कोलिजन हुई है, जब तक ये कोलिजन नहीं हुई थी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे थे, प्रॉपर ओरिएंटेशन एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर रहे थे, तब तक बात थी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। जब ये कोलाइड कर रहे हैं, जब ये दूसरे के बहुत करीब आ गए, ठीक है, कि अब ये इतना करीब आ गए कि अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो आपके पास क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि अब बॉन्ड चेंजेस आ गए, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, एक आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आई, बीच में जो है आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ये अब ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद आपके पास ये चीज़ बन गई, यानी एंड प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया, इस तरह से आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रोल है यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि रिएक्टेंट्स हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ इनफ काइनेटिक एनर्जी यानी सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी को इन्होंने ओवरकम किया। जब ये कोलाइड कर लिए, इस काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी को इन्होंने ओवरकम कर लिया, अब ये जो आगे क्या होगा, यहाँ पे अब फ़ौरन से ट्रांजिशन स्टेट थी, या जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स था आपके बुक में जो बना भी हुआ है, अब उसकी ट्रांजिशन स्टेट के बाद अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का रोल है, तभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया, क्योंकि हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, और रिएक्शन आपका किस बेसिस पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बेसिस पे होगा, क्योंकि न्यू बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे न्यू बॉन्ड बनेंगे, तब जब भी बॉन्ड ब्रेक और फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग या फॉर्मेशन होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का रोल होगा आपके पास। तभी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन में देखें क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन अभी प्रोसेस में है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्वॉल्व हो गई है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट भी वही स्टेट है जब आपके पास पूरे केमिकल रिएक्शन में हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद क्या होता है, आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तभी आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो रिलीज़ होगी एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ होगी, न्यू बॉन्ड बन गए, और आपके पास क्या हो गया ये देखें, अब आपके पास प्रोडक्ट्स लो इन एनर्जी आ गए, एनर्जी आपके पास रिलीज़ हो गई। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हुई है, नॉर्मल एक रिएक्शन में इस तरह से होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है एब्जॉर्ब्स एनर्जी, BBA याद रखते हैं, BBA बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज इज एनर्जी, न्यू बॉन्ड ब्रेक हो, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए, दे तो प्रोडक्ट्स जो है आपके इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंपेरिजन में लो इन एनर्जी आ गए। ठीक है, ये चीज़ होगी, तो अब आपके पास जब ये एक प्रोसेस है, ये चल कैसे रहा है, बेसिकली एक सर्कल की तरह से चल रहा है, जैसे एक सर्कल होता है, जब आपके पास न्यू बॉन्ड बन गए, ठीक हो गया, प्रोडक्ट्स बन गए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है रिलीजेज एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी अब रिलीज़ होगी न्यू बॉन्ड के बनने के बाद, वो पोटेंशियल एनर्जी सराउंडिंग में कैसे एक्ट करेगी, एज अ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सराउंडिंग में तो अब कोई बॉन्ड नहीं रह गया, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ बॉन्ड के अंदर रिटेन है, जब रिलीज़ होगी तो ये बाकी मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी फॉर देयर मोशन एंड देयर कोलिजन, ये इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, पहले ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ ही इसी तरह रही है, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी आपने रिएक्शन को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जैसे हम एंडोथर्मिक में प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ये साइकिल चलता कैसे है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, स्पेशली गैस मॉलिक्यूल, लिक्विड भी करते हैं, सॉलिड्स की मूवमेंट कम होती है, बट वो भी मूव करते हैं अपनी ही जगह पे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है, यानी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वो अब हम फॉर एग्जांपल हमने गैसेस की यहाँ पे एग्जांपल ली है, तो हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जब कोलाइड करेंगे इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी उनके पास, एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर लेंगे, उस बैरियर को ओवरकम कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, उनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जब बॉन्ड इन्वॉल्व है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाएगी, यानी तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अब कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट में भी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब जब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो आपके पास क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी, ये जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है ये रिलीज़ हो जाएगी सराउंडिंग में, और जहाँ रिएक्शन हो रहा है सराउंडिंग में रिलीज़ होगी उस रिएक्शन के अंदर, और बाकी मॉलिक्यूल उसको यूज़ करेंगे एज अ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब वो बॉन्ड में रिटेन ही रही है, वो रिलीज़ हो गई है, तो अब वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, और बाकी मॉलिक्यूल्स अपनी मोशन के लिए और कोलिजंस के लिए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की चेंजेस आ रही होती हैं ड्यूरिंग कोलिजन और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब हमने क्या करना है, अब आपके पास ये दो तरह के ग्राफ थे, एक्टिवेशन एनर्जी, जब हमने देखी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट पार्टिकल्स मस्ट हैव फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। ठीक है, अब ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर है केमिकल रिएक्शन के लिए, सफिशेंट सक्सेसफुल कोलिजन के लिए, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है वो काइनेटिक एनर्जी ही है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। हमने दो तरह के रिएक्शन हैं हमें पता है, अब हमारे पास ये बात आ गई लास्ट में फिगर 9.7 के, आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हैं, तो उसमें आपके पास एनर्जी चेंजेस कैसे होंगी, एनर्जी के उसके लिए आपके पास ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का और ग्राफ कैसे ड्रा होगा। ठीक है,
अब हमने पहले तो यहाँ पे देख लेना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्या पता है कि उसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, इमिट आउट होती है, डेल एच आपका नेगेटिव होता है, ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उसे हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो वहाँ पे जो है रिएक्शन हीट अब्जॉर्ब करता है और डेल एच आपका पॉजिटिव है। डेल एच क्या है, डेल एच आपका एनर्जी चेंजेस हैं, या आप इसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी चेंजेस वही होती हैं बेसिकली जो हीट ऑफ रिएक्शन हीट है। एनर्जी चेंजेस क्या होगी, एनर्जी आपकी बेसिकली हीट ही होती है, टेम्परेचर से ही होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी चेंजेस ये क्या है, टेम्परेचर आपके पास हीट की फॉर्म है, हीट ऑफ रिएक्शन। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं तब उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो ये हीट ही की फॉर्म है, एनर्जी भी। डेल एच एनर्जी चेंजेस या हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, बेसिकली जो डिफरेंस है एनर्जीज का बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये जो डिफरेंस है ये इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं या फिर डेल एच कह रहे हैं। यहाँ पे भी देखें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ है, रिएक्टेंट यहाँ है, ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का डिफरेंस है इसको हम कह रहे हैं डेल एच, और इसी को हम कह रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एनर्जी का डिफरेंस, इसे डेल एच कहते हैं। अब आपको पता है डेल एच नेगेटिव है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट इवॉल्व होती है, डेल एच पॉजिटिव है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट अब्जॉर्ब होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे, ग्राफ किस तरह से चेंज हो जाएगा हमारे पास, हम वो देखेंगे। पहली एग्जाम्पल आपके पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्स एक्सिस पे आपके पास रिएक्शन की प्रोग्रेस चल रही है, रिएक्शन का पाथ चल रहा है, वाई एक्सिस पे आपके पास एनर्जी है, आपकी बुक में एनर्जी मेंशन है, आप एनर्जी ही लिखेंगे, इसे एंथैल्पी लिख दिया, एनर्जी ही की फॉर्म है लेकिन हम एनर्जी यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंथैल्पी को इग्नोर करेंगे, एनर्जी आपके पास, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी। अब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स हमारे स्टार्ट में क्या है, हाई एनर्जी पे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, रिएक्टेंट्स हमने लिए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी हाई एनर्जी हो गई है, प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में उनकी हाई थी रिएक्टेंट्स की। डेल एच नेगेटिव है, यानी वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज, वो हीट इमिट आउट करेंगे, रिलीज करेंगे, और आपको पता है कि जब वो रिलीज कर देंगे एनर्जी, हीट इमिट आउट कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, लो इन एनर्जी हो जाएंगे। डेल एच का साइन आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि डेल एच नेगेटिव था, तभी हीट इमिट आउट हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है रिएक्टेंट्स की, जब रिएक्शन प्रोसीड किया तो रिएक्टेंट्स हाई इन एनर्जी हो गए, प्रोडक्ट्स लो इन एनर्जी हो गए। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का साइन किस तरह से रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का साइन उसी तरह से रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ से रिलेट करती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट पार्टिकल्स मस्ट हैव फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। यानी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स ही आपके पास प्रोडक्ट देंगे ना, तो आपने एरो वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे, जिस लेवल पे आपने रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखें एक्टिवेशन एनर्जी किसको रिक्वायर है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को रिक्वायर है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी रिएक्टेंट के जो पार्टिकल हैं, जो केमिकल्स हैं, वो आपके पास मिनिमम एनर्जी इनको रिक्वायर है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करके प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ न्यू बॉन्ड बना सकें, और फिर क्या होता है, फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर ये प्रोडक्ट में जाते हैं। तो आपने जो है रिएक्टेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी का ई ए से भी आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई और साथ में ये स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट में, इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। ए आपने एक्टिवेशन के लिए पुट कर दिया, कैपिटल ई फॉर एनर्जी साइन। एक्टिवेशन एनर्जी का एरो आपने रिएक्टेंट्स के साथ से स्टार्ट करना है, ये चीज़, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी किसको रिक्वायर है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिक्वायर है टू ओवरकम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए, कोलिजन के लिए, ट्रैवल करने के लिए, फिर वो इस टॉप पे पहुंचेंगे जहां हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो एरो आपने रिएक्टेंट्स के साथ बराबर से शुरू करना है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट्स हाई इन एनर्जी हैं, प्रोडक्ट लो हैं, क्यों ऐसे है आपने बस एक्सोथर्मिक से रिलेट करके याद रखना है। एक्सोथर्मिक में आपके पास हीट इवॉल्व होती है, रिएक्टेंट्स आपके पास हाई एनर्जी होंगे, हीट इवॉल्व हुई, हीट रिलीज हो गई, इमिट आउट हो गई, प्रोडक्ट्स लो इन एनर्जी हो गए। डेल एच का साइन मेंशन कर देना है, डेल एच क्या है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो डेल एच आपके पास नेगेटिव है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से एरो स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूसली उसे हीट करना पड़ता है, या उसे हमें नीचे बर्निंग करनी पड़ती है, या कुछ ना कुछ उसे हीट का सोर्स हमें देना पड़ता है, हीट उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है, अदरवाइज रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता।
ठीक है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स लो इन एनर्जी होंगे, हम उसे हीट देंगे, वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेंगे, सक्सेसफुल कोलिजन होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगी, तो वो प्रोडक्ट देंगे। तो आपके पास रिएक्टेंट्स के लो इन एनर्जी है, प्रोडक्ट्स हाई इन एनर्जी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स किस तरह फॉर्म हुए हैं, आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और हीट, क्योंकि एंडोथर्मिक में हमें डेल एच का साइन पॉजिटिव है, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। रिएक्टेंट्स की इक्वल से एक्टिवेशन एनर्जी का साइन आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स को, आपके पास ये सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी, ये इन्होंने ओवरकम किया बैरियर और फिर प्रोडक्ट्स दिए। और डेल एच का साइन कहाँ है, आपके पास डेल एच का साइन पॉजिटिव है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का डिफरेंस, उसे आप कहते हैं डेल एच। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, ये एरो डाल दें, डिफरेंस पता चल जाएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान जो है डेल एच का साइन आप शो कर सकते हैं एरो डाल के। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एच इज नेगेटिव, फॉर एंडोथर्मिक डेल एच इज पॉजिटिव। और सिंपल आपको पता है कि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स हीट एमिट आउट करेंगे, रिएक्टेंट्स हाई इन एनर्जी होंगे, प्रोडक्ट्स लो होंगे। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स क्या हैं, आपके पास लो इन एनर्जी होंगे, प्रोडक्ट्स हाई इन एनर्जी होंगे, इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की और फिर ही एंड प्रोडक्ट आपके पास बना। अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का साइन एरो भी कितना लंबा हो गया, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे स्टार्ट ही नहीं होता जब तक आप उसे एनर्जी प्रोवाइड ना करें। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो ये सारी कोलिजन्स और ये सारा प्रोसेस ओवरकम करेगा, ये आपके पास बैरियर को ओवरकम करेगा और फिर प्रोडक्ट देगा। तो ये हमारा कोलिजन थ्योरी का बेसिकली टॉपिक है। इसमें आज आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रोल कैसे है इन रिएक्शंस, और एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से कैसे रिलेट होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।